हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो केवी यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, ये जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपसे एडमिशन को लेकर बात करने जा रहा हूँ। देखिए, क्लास फर्स्ट के एडमिशन की बात अगर मैं सबसे पहले करूँ, क्योंकि जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है ना ऑफिशियल सर्कुलर में, वो फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ क्लास के सभी बच्चों के लिए दे रखी है। आप इसमें अच्छे से समझ सकते हैं। क्लास फर्स्ट के लिए तो देखो, कोई बच्चा केवीएस में है या नहीं ये कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्स्ट से स्टार्ट है। कोई भी बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है अगर उसकी उम्र 31 मार्च को 2023 को 6 साल की हो गई है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ना, वो यहाँ पर 17 अप्रैल है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर आपका नाम या आपके बच्चे का नाम जो है फर्स्ट लिस्ट में आ जाता है जो 20 तारीख को निकलेगी, तो आप अपना एडमिशन 31 तारीख तक, मतलब 21 अप्रैल से करवा सकते हैं। फिर सेकंड लिस्ट निकलेगी अगर सीट खाली बची होगी, फिर थर्ड लिस्ट निकलेगी, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट क्लास के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर उनको सारा अपना इनका नंबर आएगा, वो अपना एडमिशन करवा लेंगे स्कूल में जाके। लेकिन अगर मैं सेकंड से लेकर ट्वेल्थ क्लास की बात करूं, सिर्फ अगर 11th को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि 11th का तब फॉर्म निकलता है जब 10th का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लेकिन एक खास बात सुन लो, यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास का था वो तो ऑनलाइन आपको केवी की साइट पर जाकर ऑनलाइन करवाना था ना। लेकिन अगर आप सेकेंड से लेकर ट्वेल्थ क्लास में अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो आपको ऑफलाइन जाना होगा, मतलब स्कूल में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर भरना होगा, फिर सबमिट करवाना होगा, ठीक है। 3 से 12 तारीख ही इसकी लास्ट डेट है। और उसके बाद जो बच्चे मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे, जैसे मतलब केवी के बच्चे तो केवी में करवाएंगे ना, ठीक है। तो जो लिस्ट है वो जारी होगी 17 अप्रैल को, ठीक है। और जैसे जो बच्चे नॉन केवी के होते हैं तो एडमिशन लेना चाहते हो, अगर सीट खाली होते हैं तो उनको बता देते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा नाम आ गया, आप एडमिशन करवा सकते हैं। फिर एडमिशन करवाने के लिए आपको 18 से 29 तारीख के बीच में जाना होगा। 18 से 29 तारीख के बीच में आपको अपना सारा का सारा जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है आपको सारे सबमिट करवाने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और सुन लो कि लास्ट डेट अगर जब बढ़नी भी होगी ना, तो 30 तारीख से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी 11th क्लास को छोड़ के, बाकी किसी भी क्लास का अगर एडमिशन होना है तो। अब आप आ जाओ 11th क्लास के एडमिशन पर। अगर हम 11th क्लास के एडमिशन की बात करते हैं, तो इसमें केवी और नॉन केवी को अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ बोला गया जो केवी के बच्चे हैं ना, जैसे ही 10th क्लास का रिजल्ट आएगा 10 दिन के अंदर अंदर अपना एडमिशन करवा लेंगे, नहीं तो उनको बाद में मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एडमिशन फॉर क्लास 11th, ये रजिस्ट्रेशन करवाने का 10 दिन हो गया, और एडमिशन कराने के लिए उनको 20 दिन के अंदर अंदर करवाना पड़ेगा रिजल्ट के आने के बाद 10th क्लास के। अब आप आ जाओ नॉन केवी पर। जो नॉन केवी के बच्चे हैं ना, उनको ये बोला गया है कि देखिए, जब 11th क्लास के केवी के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद आपका होगा, जैसे क्लास 10th का रिजल्ट आएगा ना, उसके 20 दिन बाद आप जाना और वहाँ पर पता कर लेना एडमिशन को लेकर, ठीक है। और रिजल्ट के 30 दिन के अंदर अंदर आपका भी एडमिशन हो जाएगा, लास्ट डेट होगी। मतलब जैसे रिजल्ट आया 12 मई को आया रिजल्ट, तो 12 जून जो है वो लास्ट डेट होगी, ठीक है, आपको एडमिशन करवाने की, ठीक है, जो नॉन केवी के बच्चे हैं 11th क्लास में, ठीक है। मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूँ मैंने क्या बताया। मैंने ये बताया डियर कि फर्स्ट क्लास के एडमिशन अभी चल रहे हैं, मतलब एडमिशन से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद उनकी लिस्ट निकल जाएगी, तो जिनकी लिस्ट निकलेगी वो एडमिशन करवा लेंगे। फिर सेकंड से लेकर जो 12th क्लास के बच्चे हैं, अगर 11th को छोड़ दिया जाए तो वो 3 अप्रैल यानी कि मंडे से, ठीक है, अपना जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। फिर उनकी भी लिस्ट निकल जाएगी, और जिनका नाम लिस्ट में आएगा 17 तारीख को, वो 18 से 29 में जाकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और फिर लास्ट डेट 30 जून तक बढ़ेगी, इसके बाद नहीं बढ़ेगी, ये बताया गया। और फिर केवी के बच्चे जो है 11th में अगर एडमिशन ले रहे, तो 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट के अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर 20 दिन के अंदर अंदर अपने आप को एडमिशन भी करवा लेंगे, मतलब 10 दिन और मिल जाएंगे इनको एडमिशन करवाने के। जो नॉन केवी के बच्चे हैं, वो केवी के एडमिशन हो जाने के बाद, यानी कि
10 दिन और 10 दिन 20 दिन, 20 दिन के बाद, लेकिन 10 दिन पहले, टोटल 30 दिन उनके पास होंगे ना, तो वो अपना एडमिशन करवा सकते हैं नॉन के वी वाले बच्चे। मतलब कहने का ये है कि आप एक बार जाकर, जब जैसे आप 20 दिन बीत जाएंगे ना 10th क्लास के रिजल्ट को, तो आप 21वें दिन जाकर वहाँ पता कर लेना और जो भी होगा वहाँ पर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये बताया गया यहाँ पर, तो मैंने एक बार दोबारा से बता दिया, जो अगर थोड़ा बहुत अगर आपको कन्फ्यूज़न हुआ हो तो अभी इस वीडियो में क्लियर हो गया, लास्ट में मैंने दोबारा बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। टेक केयर सर डियर स्टूडेंट्स। हाँ, एक बात ये बोलेगा कि उस दिन छुट्टी हो जाती है कोई, तो अगला दिन आपको मिल जाएगा, इसमें टेंशन मत लेना।